दोस्तों, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रीति डायरी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे दाद, खाज, खुजली या उकवत जैसी समस्या का एक रामबाण घरेलू उपाय। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि ये उकवत या फिर दाद, खाज, खुजली होती कैसे, रीजन क्या होता। दोस्तों, दाद दिनाए उकवत होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये चर्म रोग है और ये पूरे शरीर में कहीं भी हो सकता है। ये रोग होता क्यों है? ये अनियमित खान पान, दूषित आहार या शरीर की साफ सफाई ना रख पाना या फिर पेट में कृमि होना, इन कारणों से मल जो है नसों के द्वारा अवशोषित होकर खून में मिलने से तरह तरह के चर्म रोग उत्पन्न करता है, जिसे दाद दिनाए और खुजली उकवत या आदि नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसका उपाय। इसका उपाय है धतूरा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये धतूरा का पेड़ है दोस्तों। तो दोस्तों, फूल नहीं लेना है बल्कि इसका फल लेना है, इसके फल का इस्तेमाल करना है। क्या करना है आपको? इसके फलों को तोड़ लेना है दोस्तों। ये आपके आसपास पौधा मौजूद होता है, लेकिन अगर नहीं है तो आप पहचान लीजिए पिक्चर मतलब वीडियो में, देख लीजिए किस तरीके का होता है और अपने आसपास ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये धतूरा है। क्या करना है, ये पके हुए धतूरे जो चिटक जाते हैं उसको तोड़ लाना है और लाकर इसकी बीज को निकाल लेना है। जैसे कि मैं निकाल रही हूँ, आप देख सकते हो। इस पर आप बिलीव कर सकते हो, ये मेरे घर में किसी को ये प्रॉब्लम थी, मैंने उनको ये उपाय करते देखा है और उनकी समस्या ठीक होते देखा है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, क्या करना है आपको? लेना है नारियल का तेल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन नारियल का तेल ना हो तो आप घर का शुद्ध कड़वा तेल भी ले सकते हो। लगभग आधी कटोरी तेल ले लीजिए, उसको इसमें डाल देना है जब तेल गर्म हो जाए। और गर्म होने के बाद में जब बीज आप डाल देंगे और बीज भी लाल हो जाएगा, फिर क्या करना है, इसे उतार लेना है और ठंडा कर लेना है। ठंडा कर होने के बाद आपको इसे छानना है और छानकर इसे किसी कंटेनर में भरकर आपको रख देना। और लगाना कैसे है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या करना है कि इसको लगाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो लेना है, मतलब गुनगुने पानी से, और गुनगुने पानी में हल्का सा नमक डाल के अपने जिस जगह पे आपके ये आपको समस्या हुई हो, दाद, खाज, खुजली या उकवत, तो उस जगह को धो लेना। उसके बाद उसे सुखा लेना टॉवल वगैरह से पोंछ कर, उसके बाद इस ऑयल को उस जगह पर लगाना। दिन में 2 से 3 बार आप लगा सकते हैं, ऐसा आप रोज़ाना करें, आपका एकदम जड़ से आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ।